नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए दिन में। आज हमारे डाइट का 11वां दिन है, या कहें 11वां लेसन है। आज हम जानने वाले हैं सूर्य के बारे में। सूर्य से ही देखिए सारा फूड बनता है, सारे भोजन जितना भी निर्मित होता है। सूरज के बिना कुछ भी धरती के ऊपर जीवन पॉसिबल नहीं है। आज हम सूर्य का डाइट से क्या लेन देन है, क्या रिलेशन है, इस बात के ऊपर हम बात करेंगे। इस चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जब सूर्य का की जो किरणें हैं हमारे शरीर के ऊपर पड़ती हैं, तो स्किन के साथ रिएक्ट करके वो विटामिन डी प्रोड्यूस करती हैं, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई सारे फंक्शन विटामिन डी की वजह से होते हैं। अगर आपके बोन्स में पेन रहता है, आपके मूड फ्लक्चुएशंस रहते हैं, इम्यूनिटी लो रहती है, जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है आपको, तो आप ये समझ लीजिए बैक पेन रहता है। खाम-खां कोई ऐसे टेस्ट में नहीं आया, लेकिन बैक पेन रहता है, कई सारे दर्द रहते हैं, मसल में पेन रहता है, मसल वीकनेस रहती है, ये सारे सिम्टम अगर आपको होते हैं तो आप ये समझ लीजिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी है आप में। आजकल भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। ऑलमोस्ट 90% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, मतलब ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट हर किसी में। क्योंकि धूप में निकलना लोगों ने छोड़ दिया है, सब अपने घर में, और घर भी ऐसे होते हैं जहाँ नेचुरल प्राकृतिक धूप आती नहीं है, तो धूप भी लेते हैं मैंने देखा है लोग। तो थोड़ा सा उसको लेने का तरीका एक चीज़ समझें कि विटामिन डी कब बनेगा आपके शरीर में, जब आपकी स्किन है, स्किन के ऊपर जब धूप की किरणें पड़ेंगी तब बनेगा वो, कपड़ों के ऊपर पड़ने से नहीं बनेगी। तो जब सन एक्सपोजर हो, जब सुबह सुबह जब आप धूप का सेवन करें, धूप स्नान जब आप करें, तब आपके थोड़ी सी स्किन बाहर दिखाई देनी ज़रूरी है। मतलब हाफ स्लीव पहन के या हाफ पैंट पहन के उस टाइप से आप धूप का सेवन करें, धूप का स्नान करें, तब आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी होगी। हर रोज़ कोशिश करें कम से कम 20-30 मिनट के लिए हर रोज़ ज़रूर करें। और मेरा सजेशन तो ये है कि सुबह सुबह जब धूप निकलती है उस टाइम पर आसन, प्राणायाम, एक्सरसाइज जब आपको करनी है तो सूर्य के नीचे ही आप करें, मतलब सीधी धूप में ही करें। आफ्टरनून और इवनिंग की धूप इतनी कारगर नहीं है, मॉर्निंग की धूप सबसे बेस्ट। सुबह सुबह आप धूप हर रोज़ ज़रूर लेना शुरू करें, अपने बच्चों को भी देना शुरू करें। देख कितने सारे बच्चों के टेस्ट होते हैं और हर कोई विटामिन डी की डेफिशिएंसी हर किसी में मिलती है। क्योंकि बड़े शहरों में तो लोगों ने बाहर निकलना ही, धूप में निकलना ही बंद कर दिया है। किसी डॉक्टर ने बता दिया तो थोड़ा बहुत निकलते हैं, तब भी मैंने बताया इस चीज़ का ध्यान रखें, स्किन के ऊपर धूप लगनी ज़रूरी है, तब आपको विटामिन डी बनेगा। खान पान से भी आप विटामिन डी को पूरा कर सकते हैं। जितनी भी वाइट चीज़ें हैं उनमें, दूध में भी विटामिन डी है, लेकिन खान पान से इतना पूरा नहीं हो पाएगा। सबसे बेस्ट मेथड है अपना 20-30 मिनट हर रोज़ धूप में लगाओ, सुबह एक्सरसाइज करो, प्राणायाम आप बैठ के कर लो, ध्यान आप धूप में बैठ के कर लो, सुबह की मॉर्निंग का जो सूर्य उदय होता है उस टाइम पर 8-9 बजे की जो थोड़ी सी धूप होती है, जिसमें इतना भी जल्दी नहीं करना कि धूप ही ना हो, जो थोड़ी सी धूप रहे आपकी स्किन के ऊपर, धूप आपको फील हो, उस टाइम के ऊपर आपको बैठ के करना है। आसन करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, या फिर सिंपल धूप में बैठ के मेडिटेशन कर लें, या कोई काम कर लें, या कुछ पढ़ाई कर लें, तो उससे क्या रहेगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपके शरीर में नहीं होगी। विटामिन डी पूरा रहेगा, जिससे आपको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, मसल वीकनेस नहीं होगी। अभी मैं नोट करता हूँ कि खासकर फीमेल्स में भी जो छोटी छोटी जो सिम्टम्स हमें लगता है कि कहीं क्रैम्प्स आ रहे हैं, कहीं मसल में पेन हो रहा है, बोन्स में पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, ये विटामिन डी के ही सिम्टम हैं। मूड फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, डिप्रेशन हो रहा है, विटामिन डी की डिफिशेंसी को पूरा करो। अगर नहीं यकीन आए तो टेस्ट करा के देख लीजिए, ज़रूर मिलेगा। अगर ये सारे सिम्टम आपको होते हैं, फिर आप या तो विटामिन डी के डॉक्टर पाउच देता है वो आप वीकली या जो भी जिस साइकिल के हिसाब से बताते हैं उस हिसाब से आप लो, या फिर धूप लो। धूप सबसे बेस्ट अल्टरनेट प्राकृतिक तरीका है, फ्री का तरीका है, फ्री में अवेलेबल है। शहरों में तो थोड़ा सा मुश्किल होता है धूप में निकलना, स्पेशल पार्क में जाना पड़ेगा, घर भी इस टाइप से बने होते हैं कई जगह पर, नहीं जा पाते। लेकिन गांव में तो फ्री में सारा खुला माहौल रहता है, धूप में ज़रूर बैठने की आदत डालें। यह भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो विटामिन डी है, जो विटामिन ए बी सी डी ई के ये सारे हैं, तो विटामिन डी भी आपकी डाइट का एक ज़रूरी हिस्सा है, इसको भी अवॉइड ना करें। ये एक हार्मोन की तरह काम करता है। कैल्शियम जो डाइजेस्ट होता है, विटामिन डी के बिना होगा ही नहीं वो डाइजेस्ट आपको।
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें विटामिन डी के आसपास घूमती हैं और आजकल इसमें हर किसी में इसकी डेफिशिएंसी है। तो अपनी धूप को भी अपनी डाइट का पार्ट बनाओ, मतलब धूप का सेवन प्राकृतिक चिकित्सा में कहा गया है। सेवन का मतलब है क्योंकि वो भी खाने की तरह है, उससे भी बॉडी चार्ज होती है। और योग में, ध्यान में तो बहुत सारे योगी ऐसे हैं जो सिर्फ धूप से ही सारी ऊर्जा लेते हैं और खाना बहुत कम कर दिया है उन्होंने, धूप से ही एनर्जी रिसीव करते हैं, धूप से ही प्राण ऊर्जा वो खींचते हैं। पुरानी जितनी साधनाएं थी उनमें धूप का सूर्य नमस्कार जो बनाया गया है, वो सूर्य नमस्कार करो आप सुबह धूप में, सबसे बेस्ट मेथड है। सूर्य का नमस्कार भी हो जाएगा, हमारी संस्कृति का भी पालन होगा, स्पिरिचुअल बेनिफिट भी होगा और फिजिकल बेनिफिट तो होना ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। विटामिन डी का ध्यान रखें, अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करें और धूप में हर रोज़ बैठना शुरू करें। सुबह की धूप सबसे बेस्ट रहती है। बिल्कुल ना हो, कोई अवेलेबल ना हो, टाइम ना अवेलेबल हो, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरा हुआ हूँ। मेरे पास एक टाइम ऐसा था कि मॉर्निंग में मेरे पास टाइम ही नहीं था बाहर निकलने का, या क्योंकि जो योगा सेंटर था वो बेसमेंट में था। वैसे केस में अब जब टाइम मिले, बिल्कुल ना करने की बजाय किसी भी टाइम आप बैठ सकते हैं, धूप में बैठें, जितना टाइम हो उसके स्पेंड करें। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कोई सजेशन हो, कोई कमी रह जाए तो आप सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट्स में। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाइस वीडियो लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।